BYRL Originals ने नए कलाकार अवकाश मान की BYRL परिवार में स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। महान पंजाबी गायक, अभिनेता और प्रोड्यूसर हरभजन मान के बेटे अवकाश संगीत प्रेमियों के बीच तेरे वास्ते के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू सिंगल अवे एक बड़ी सफलता थी और प्रसिद्ध अमेरिकी टॉप 40 में स्थान पाने के साथ काफ़ी प्रशंसा हासिल की थी। संगीत की पृष्ठभूमि के कारण अविनाश ने द लैंगली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स तथा न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में प्रवेश लेकर कला में शुरू से ही रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एक्टर आपके बेटे को एक्टर बना सकता, सिंगर आपके बेटे को सिंगर नहीं बना सकता जे उसके गले दे विच कुदरत ने गला नहीं दिता। एको ही खेत्र है कि जेड़ा जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। तो बचपन तो अवकाश के गले विच सी गायकी, कुदरत ने अच्छी आवाज दी सी। फिर यदि बकायदा बचपन तो मलदेव काकड़ी सर निके होंदे तो ट्रेनिंग शुरू हो गई मेरे दी कैनेडा दे विच लैंगली फाइन आर्ट स्कूल दे विच। स्कूल दा क्वायर सीगा जिहड़ा उहदे विच ने इंग्लिश जिहड़ा 2-3 साल उत्थे ट्रेनिंग ली। फिर पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों तो यह बॉम्बे बेस्ड है, उत्थे सारी इहदी ट्रेनिंग चल रही हैगी। ते सो मेरा ये है कि जो ये गावे वो अच्छा होवे, उहदा कोई मतलब होवे, बाकी इंग्लिश विच गावे, हिंदी विच गावे, पंजाबी विच गावे, वो इहदी एक अपनी जर्नी है। मैं हरभजन माने दे थोपड़ा नहीं चाहुंदा कि जी मेरा ऐ है तो तू ये करना है। हाँ, लेकिन जो भी करे वो जिम्मेवारी नाल करे। ते मैनू मेरा ख्याल है कि इस तो वड्डी उदाहरण की हो सकती है कि अज पंजाबी विच जिहड़ी मुद्दत तो बाद जे किसी किताब नू इन्ना खरीदया गया राणी तत्त, उहदे राइटर नू अज पंजाबी दा जिहड़ा पंजाबी मां बोली दा बहुत लाडला गाने जो लिखा है हरमजीत भाई ने, तो इट्स अ जो जॉनर पूछे तो इट्स अ R&B पॉप जॉनर सॉन्ग। आई थिंक पहली बार पंजाबी विच इस तरह का जॉनर मिक्स करके अपना लेके आ रहे हैं। एंड लिरिक्स ऑब्वियसली इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, जो मेन प्रोटैगनिस्ट वो अपने ही रिकॉलिंग गुड टाइम्स विद लव्ड वन, nostalgic type, so it's a very romantic sweet song and the R&B pop kind of गाने की ट्रेनिंग कहाँ शुरू की, कब शुरू की और क्या सफर आपको इस गाने को रिलीज करने का? गाने की ट्रेनिंग बचपन से शुरू थी मेरी। I've been training with बलदेव काकड़ी सर, उस्ताद जी मेरे इंडिया मोहाली में रहते हैं। उसके बाद I trained at Langley Fine Arts School in Vancouver, British Columbia, Canada. So there I did Western classical music, and I was in a choir. I used to compete also in the choir nationally in Canada. So I've been lucky enough that मुझे इंडिया में भी ट्रेनिंग मिली, इंडियन क्लासिकल में मिली, पंजाबी में मिली और बाहर बाहर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।